Good morning, my dear student. Today we are continue our chapter 2, part shell, page number 118. Exercise second J करेंगे student आज हम without actually dividing find the quotient and the remainder. इसमें student हम without divide हम क्या करेंगे क्वेश्चन भी निकालेंगे और रिमाइंडर भी निकालेंगे स्टूडेंट. वैसे आप निकाल कर भी कर सकते हैं बट विदाउट डिवाइड के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारा 437 डिवाइडेड बाय 10. तो देखिए स्टूडेंट 437 को 10 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 10 में स्टूडेंट कितनी जीरोज है 1 जीरोज है. तो आप क्या करेंगे राइट साइड से वंस प्लेस से क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे. वन नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे स्टूडेंट. अब इसमें स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 7 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा. क्लियर टू ऑल स्टूडेंट. तो अब आप इसको करके देखेंगे स्टूडेंट 437 को कीजिए 10 से 10 4s are 14 subtract किया तो 3 आ गया स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट 3 आने के बाद हम ऊपर से एक और नंबर लेकर आएंगे. अब हमारे पास नंबर है 37 10 3s are 30 10 4s are 40 40 is bigger than 37. तो अब हम करेंगे 3 पर तो 10 3 जा 30 7 हमारा स्टूडेंट आ गया रिमाइंडर. क्लियर टू ऑल स्टूडेंट 43 हमारा क्या हो गया क्वेश्चन. फर्स्ट नंबर तो हमारा क्वेश्चन एंड पॉइंट के बाद का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर. इसको हम विदाउट डिवाइड के भी कर सकते हैं. जितनी जीरोस हैं उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट चलिए बाय ये टेंस था अब बाय 100 है तो इसमें स्टूडेंट 2 जीरोस है तो हम क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं. हमारा नंबर है 84380 इसको डिवाइड करना है किससे 100 से. तो आप क्या करेंगे 1 2 1 2. अब हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या हो जाएगा 843 एंड हमारा रिमाइंडर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 18. क्या हो जाएगा रिमाइंडर 18. इसको भी हम चेक करके देखेंगे स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. 84,318 डिवाइडेड बाय 100 सबसे पहले कीजिए 8 पर. ये देखिए स्टूडेंट 3 डिजिट लेने पड़ेंगे हमें 100 से डिवाइड करने के लिए. 100 8 जा 843 आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद. अब ऊपर से 1 ले आए 100 4 जा 431 आ गया. अब ऊपर से 8 ले आए 103 जा 300. ओके स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा 300 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 18 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया. तो ऊपर क्या आ जाएगा 843 हमारा क्या आ गया क्वेश्चन जो पॉइंट से पहले का नंबर है और 18 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर ये हो गया क्वेश्चन. इसको आप विदाउट डिवाइड के भी कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट चलिए हमारे पास नंबर है 461,900. अब हमने स्टूडेंट क्या करना है डिवाइड करना है 1000 से. 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमने क्या करना है 3 डिजिट राइट हैंड से छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं 461,900. तो 3 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा स्टूडेंट ये तो हमारा क्या है क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर. इसको भी हम करके देख लेते हैं कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट.
सेकंड आपको नहीं रहना चाहिए, 1000 से करने के लिए स्टूडेंट हमें 4 डिजिट तक के नंबर लेने होंगे, 4619 से डिवाइड करो 1000 का, तो 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 619 आ गया। अब जीरो को ले जाएंगे नीचे, अब हमारा नंबर क्या हो गया 6190, तो 1000 का टेबल पढ़िए 6 तक, 6000 सब्ट्रैक्ट किया तो 0910। अब जीरो को और ले आइए नीचे, अब 1000 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे आप, 1 तक, 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 009 900। हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, बिकॉज 900 इज स्मॉलर देन 1000, आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमारा 900 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? और ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, क्लियर? और अगर हम बिना डिवाइड के भी करेंगे तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा क्वोशेंट होता है एंड पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, रिमाइंडर होता है। ऐसे ही स्टूडेंट आप बाकी के सम भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।